दो वर्षों पश्चात रामनगर आजाद चौक में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एएसबीएस फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। रामनगर आजाद चौक में प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। कोरोना काल में दो वर्षों से इस समारोह में पूर्णतया विराम लगा हुआ था। इस वर्ष एएसबीएस फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित होली मिलन समारोह में वार्ड 19 एवं वार्ड 26 की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित हुईं और नृत्य गीत के माध्यम से गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दीं। एएसबीएस फाउंडेशन के संयोजक राजकुमार साहू और सदस्य प्रमोद शाह ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। भिलाई रामनगर वार्ड 19 में एएसबीएस फाउंडेशन द्वारा दो साल तो कोरोना में नहीं हुआ होली मिलन का, और इस बार जो है ना हमारे यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो बहुत हर्षोल्लास से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। 150-200 महिलाएं आई वार्ड 19 और वार्ड 26 का, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ आज ही के डेट में, और आगे भी ये लोग इससे भी बड़े कार्यक्रम करने की उम्मीद रखते हैं कि हम लोग करेंगे। और यहाँ के क्षेत्र में जितनी महिलाएँ हैं भिलाई रामनगर में, जो कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने के लिए उनको मिल रहा है और बहुत ही आगे एकजुटता के साथ काम करेंगे। हाँ, ये हर बार से भर्ती इस साल हुआ है, जैसे दो साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था कार्यक्रम, इस साल एएसबीएस फाउंडेशन का संयोजक होने के नाते सब लोग मीटिंग में बात रखे कि इस साल होली अच्छे से होना चाहिए, और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होली हुआ है। लगभग ये वार्ड 19 और 26 के लगभग 150-200 महिलाएँ शामिल हुई होली में, और बड़ा अच्छे से खुशनुमा माहौल में होली का कार्यक्रम बीता। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, सब लोगों ने आनंद लिया होली का, रंग गुलाल और आपस में खुशियाँ बांटी, लोग एक दूसरे का गले मिले, रंग गुलाल से लोगों के एक दूसरे को रंग लगाए। आइए देखते हैं होली मिलन समारोह की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।